हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नीट एप्लीकेशन फॉर्म को हम किस तरह से भरेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से आप भर सकते हैं या लैपटॉप से कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको meet.nta.nic.in ये क्लिक करना है। देख लीजिए आप एक बार, जिसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको गूगल पे से सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, जैसे ही आपके पास साइट ओपन होगी, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको इसे नीचे लेके जाना है, और बहुत नीचे ले जाने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ओके, इसको ओके कर दीजिए। आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद देखिए, आपके पास लिखा हुआ आ रहा है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। तो देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस, तीन स्टेप आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो देखिए, हम आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन, एक जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो वो भी यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, चीज़ें ये फिल करके। ठीक है, तो हम तो न्यू रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं पहले। अगर आप साइन अप करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन, ये जो है ये वाले आपको डाल के साइन इन कर लेना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहे तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी सिटीज़ हैं। ये सब मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो इन सब चीज़ों की मुझे कोई नीड नहीं है। आप लोग चाहे तो एक बार देख सकते हैं क्या क्या सीन है, और पूरा फॉर्म मैं आपको यहाँ पर भरना सिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि आपको क्या क्या लगाना है। आपको जो अपनी फ़ोटो है वो करंट की फ़ोटो लगानी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रिसेंटली फोटोग्राफ, जिसकी जो साइज़ होगी वो 10 KB टू 200 KB। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि फ़ोटो की साइज़ किस से आपको छोटी बड़ी करनी है। सिग्नेचर वो आपके हैं 4 KB टू 30 KB होंगे। इसके साथ आपको एक पोस्ट कार्ड साइज़ भी आपको फ़ोटो लगानी है, तो वो आपके फ़ोटो आपके 10 KB टू 200 KB बड़ी वाली फ़ोटो आपकी वो होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए, आपको अंगूठे का जो निशान है वो भी लगाना है, वो 10 KB टू 200 KB में आपका होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। और जो पेमेंट है वो आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और देखिए, आपको पासवर्ड बहुत अच्छे से बनाना है, ये मैं आपको पहले से बता दूँ। तो पासवर्ड, आप जब पासवर्ड बनाओ तब एक बार थोड़ा देख लें, पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है सिंपली। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस जगह क्लिक करोगे, उसके बाद आपको क्लिक टू हियर प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ तक आप लोग आ जाएंगे, सिंपली है ये सब। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसमें ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। एक बार में सारी डिटेल्स भर देता हूँ, फिर एक एक डिटेल्स आपको बता दूंगा किस तरह से आपको क्या क्या भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे क्या क्या बनाना है, कौन सा पासवर्ड, कौन सा सिक्योरिटी पिन, सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक बार मैं भर देता हूँ ताकि सिंपली अपना वीडियो का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। देखिए, सारा फॉर्म मैंने भर दिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। कैपिटल या स्मॉल लिखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर हो जाएगा। फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, या ये आपकी डेट हो गई, ये आपका मंथ हो गया, और ये आपकी ईयर हो गई डेट ऑफ बर्थ की। आपको जेंडर अपना चूज़ कर लेना है। इसमें जेंडर के ऑप्शंस हैं, यहाँ पर देखिए जेंडर के ऑप्शंस हैं, आप जेंडर चूज़ कर लीजिए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी है। नेशनलिटी, अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन, अदर है तो अदर का ऑप्शन है, वो भी आप क्लिक कर सकते हैं। आइडेंटी कार्ड के रूप में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जो आइडेंटिटी यहाँ पर दे रखी है। और वैलिड, आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ अगर यूज़ करते हो। आइडेंटिटी कार्ड वो यूज़ करना है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, ये ध्यान रहे। उसके आपको आइडेंटिटी कार्ड के आपको यहाँ पर नंबर डाल देने हैं सिंपली। आधार कार्ड सबका बना हुआ होता है, आधार कार्ड से आप कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो ये आपने अपना एड्रेस लिख दिया।
यहाँ पर आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है। अगर आउट ऑफ इंडियंस है तो अलग बात है, अदरवाइज़ इंडिया आपको चूज़ कर लेना है। अपना स्टेट आपको चूज़ करना है, जो आपका स्टेट है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सबका नाम यहाँ पर है ऑलरेडी। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको पिन कोड चूज़ करना है। कई बच्चों को पिन कोड पता नहीं होता, तो आधार कार्ड के पीछे की साइड में जो आपका एड्रेस लिखा होता है, एड्रेस के लास्ट में 6 डिजिट जो नंबर होते हैं, 6 डिजिट जो नंबर होते हैं वही आपके पिन कोड नंबर होते हैं। आपको अपने मोबाइल नंबर वो लिखने हैं, चाहे आपके पास खुद के पास पर्सनल मोबाइल फ़ोन नहीं है तो फैमिली में से भैया दीदी पापा किसी के भी नंबर, लेकिन नंबर वो लगाने हैं जो आपके हमेशा चालू रहते हो। बंद वाले मोबाइल नंबर नहीं लगाते, क्योंकि लास्ट में बच्चों के यही कमेंट्स आते हैं, सर मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, सिम ख़राब हो गई, सिम ये ऐसा हो गया वो हो गया, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक कर ले, कंफर्म का यहाँ पर ऑप्शन है, तो ईमेल आईडी भी वैलिड ईमेल आईडी लगानी है, साथ में अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी एक लगा दें। एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो वो आप उसे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेम ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन एक चूज़ कर लेना है, और उस क्वेश्चन का आंसर एक सिंपली कॉमनली आंसर भर देना। अगर आपको जैसे स्कूल, तो आपकी फ़र्स्ट स्कूल कौन सी थी, मेरी जो स्कूल थी मैंने भर दिया। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन आपको एंटर कर देना है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको आपको पासवर्ड बनाने हैं, तो पासवर्ड देखिए मैं पासवर्ड बना के आपको दिखा देता हूँ। कंफर्म पासवर्ड मैं खुद से लगा दूंगा, फिर से सेम टू सेम एज इट इज़ वही लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 8 to 13 मिनिमम 8 नंबर होनी चाहिए, मैक्सिमम 13 होनी चाहिए टोटल जो डिजिट होंगे आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने पासवर्ड बनाना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं 1 2 3, उसके बाद आप @ लगा दीजिए, ये आपके नंबर हो गए, ये एक स्पेसिफिक लेटर हो गया। अब आपको एक कैपिटल और एक स्मॉल भी चाहिए, तो जैसे मान लीजिए मुझे अपना पासवर्ड बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैपिटल जी स्मॉल ए स्मॉल जे और स्मॉल यू, 1 2 3 4 5 & 3 8 अपने लेटर हो गए। तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं अपना, इसमें देखो कैपिटल भी आ गया और स्मॉल भी आ गए, स्पेसिफिक लेटर भी आ गया और नंबर भी आ गए, इस तरह से आपको पासवर्ड अपना बनाना है। तो देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ पासवर्ड की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 @GSMALLAJU, ये मैंने पासवर्ड बना दिया, ठीक है। इसके बाद इस पासवर्ड की अगर मुझे पुष्टि करनी है तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 @GSMALLAJU, ये कंफर्म हो गया पासवर्ड। इसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ चेक करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और देखिए हर बार लोडिंग का इस तरह से ऑप्शन आएगा तो आप उससे घबराए नहीं। अब देखिए जैसे ये क्लोज़ का ऑप्शन आ रहा है, इस क्लोज़ वाले पे आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये आपके पास नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर। देखिए जैसे ही आपका ओपन होगा, ओपन होते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसे इंटरफेस में आपके पास देखिए यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपका नाम सही है, मदर्स नेम सही है, फादर्स नेम सही है, आपका जेंडर सही होना चाहिए। इसके साथ में इम्पोर्टेंट है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, मोबाइल नंबर एंड आपकी ईमेल आईडी भी सही होनी चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो आप इन सब पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये क्लिक कर दिया है मैंने ऑलरेडी, ये आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे यस पे क्लिक करना है आपको, यस पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए ऐसा इंटरफेस आते ही देखिए ऊपर आपने देखा अभी अभी टेक्स्ट मैसेज आ गया, तो ये NTA के द्वारा टेक्स्ट मैसेज एंड ईमेल आईडी दोनों पे मैसेज आया है। जैसे ही देखिए मोबाइल नंबर पे जो OTP आया वो OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया, और OTP डाल के सीधा रजिस्ट्रेशन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे, आपके पासवर्ड जो हैं वो सेव हो चुके हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा, तो देखिए इसमें आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर ली है। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करनी है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस पेमेंट आपको करना है। देखिए यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे नया पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वेरीफाई मोबाइल नंबर आ गया है, ईमेल आईडी पर अभी वेरीफाइड नहीं आया है, तो आप
ईमेल आईडी को भी वेरीफाइड यहाँ से करेंगे। सिंपली है, सीधा आपको ईमेल आईडी पे वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आपके पास ईमेल आईडी का। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको ईमेल आईडी की जो है यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन डालने हैं। जैसे आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी चला जाएगा। तो सिक्योरिटी पिन है मेरे 65, उसके बाद हैं आई कैपिटल एफ 38। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही मैंने लगाए हैं। फॉर्म डालने के बाद मुझे सीधा सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा ओटीपी चला जाएगा, सिक्योरिटी पिन मैच, प्लीज चेक ओटीपी, सेंड योर ईमेल एड्रेस, क्लिक करना। और यहाँ पर आपके जो ओटीपी आया है वो आपको अपनी मेल से यहाँ पर डाल देना है। तो एक बार मैं मेल पे चेक कर लेता हूँ और ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। आप लोगों को भी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करना है, ये ध्यान रखना, फ्यूचर में दिक्कत आती है अदरवाइज़। देखिए जो ओटीपी आया था मैंने ओटीपी यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद सीधा वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है साफ साफ कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको यहाँ से सीधा गो टू होम पे क्लिक कर देना है। गो टू होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप आपके होम पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो गया है, ईमेल आईडी पे पहले वेरीफाई लिखा हुआ नहीं आ रहा था, अब यहाँ से ईमेल आईडी भी आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से हमारे को कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे सीधा। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की आपको डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल भी आपको 5-6 स्टेप में कंप्लीट करनी होगी, जैसे पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपडेट, अपलोड एंड फाइनल सबमिट, सारी डिटेल्स आपको करनी है। तो एक एक आपको यहाँ पर करनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके पास पर्सनल डिटेल का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। और देखिए इसमें सारी जो पहले से आपके पास भरी हुई थी वो सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी यहाँ पर आ रही है। जो जो आ रही है उसको ठीक है, जो नहीं आ रही है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो मैं एक बार भर देता हूँ फिर उसके बाद आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स भर दी है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पेरेंट्स नेम, ये पहले से यहाँ पर थे। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि आपने 12th क्लास कौन से स्टेट से या सेंटर से पास की है, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। राजस्थान स्टेट, जैसे राजस्थान स्टेट से की तो राजस्थान स्टेट। कैटेगरी कौन सी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे ध्यान से भरें। जिस कैंडिडेट को जनरल EWS लगाना है और EWS अगर उसका नहीं बना है तो वो मैं ये कहूँगा कि अभी EWS से लगा दे, बाद में इसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी जनरल ना लगाएं वो कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पर आप PWD कैंडिडेट है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अर्बन या रूरल एरिया, तो वो लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपकी फैमिली की इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग इनकम लिख दीजिए। आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया। उसके बाद आप अगर ड्रेस कोड के अगेंस्ट अगर कुछ पहन के आना चाहते हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। आपके जो प्रिपरेशन का मोड कैसा था, सेल्फ स्टडी, इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, जो भी है यहाँ पर सारे ऑप्शन आ रहे हैं वो आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालने हैं, ये ग्रीन कलर वाले, और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपके पास नया इंटरफेस आ जाएगा। और देखिए जो आपकी फर्स्ट डिटेल थी, क्या सेकंड आपसे पूछा गया, आधार डिटेल, तो आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर पे क्लिक कर दीजिए यस। जैसे यस यस करेंगे सबमिट कर दीजिए, सबमिट करेंगे आपके पास नए पेज पे आप पहुंच जाएंगे। नए पेज पे जैसे ही आप पहुंचेंगे आपके पास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आप अपने आधार नंबर जो हैं वो आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो इसमें मैं फ़र्स्ट पे प्रीफर कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे फर्स्ट पे प्रीफर करूँगा उसके बाद यहाँ पर ये डिटेल्स मांगी जाएगी, तो उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग आधार नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मेरे आधार नंबर है तो वो मैं डाल देता हूँ।
ये मान लीजिए इमेजिनेशन कीजिए कि ये मेरे आधार नंबर होंगे, और तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर घोषणा जो है जो भी आपकी रियलिटी है वो उस पर आप यहाँ पर इसको क्लिक करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू की वजह से थोड़ा सा धीरे चल रहा है, बाकी आप देख लीजिए। देखिए थर्ड आधार के बाद अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक बार मैं ये भर देता हूँ, उसके बाद आपको बता दूंगा। देखिए जैसे इसमें बहुत नॉर्मल सी डिटेल्स है, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपके साथ आते हैं, हिंदी इंग्लिश या जो भी आपकी 13 लैंग्वेज है वो सब आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिलेंगे, तो वो उस लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी सिटी चूज़ करनी है एग्जामिनेशन, तो देखिए इसमें मैं बता दूँ आप लोगों को, आपको फर्स्ट नंबर पे वो सिटी चूज़ करनी है जो आप प्रेफर करते हैं, आप जो सिटी चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो आप सिटी भरते हैं सबसे पहले आपको वही सिटी मिलती है। तो जैसे स्टेट राजस्थान स्टेट है मेरा, तो मैंने जैसे राजस्थान स्टेट भर दिया, उसके राजस्थान स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो इस तरह से आपको तीन आपको चार चॉइस भर देनी है। उसके बाद पेरेंट्स डिटेल आपको डालनी है कि फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर की क्वालिफिकेशन क्या है वो आप डाल दीजिए सारे इसमें, बिजनेस मेडिकल एग्रीकल्चर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मदर के लिए भी सेम टू सेम यही डालना है आपको, और सिक्योरिटी पिन आपको ग्रीन कलर वाले डाल के सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे सीधा, इस तरह से आप एक स्टेप और पार कर चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाएंगे यहाँ से। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो एक बार मैं फिल कर देता हूँ। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल भर दी है, जैसे आपको सबसे पहले आपसे 10th, 11th एंड 12th इसकी डिटेल आपसे पूछी गई है। तो देखिए जैसे इसमें रह गया है, एक बार इसको भी भर देता हूँ, ये लीजिए। अब देखिए आपको जैसे 10th क्लास आप पास कर चुके हैं जनरली, इसमें 10th इक्विवेलेंट आपको भर देना है। स्कूल आपका कौन से एरिया में वो भरना है, प्राइवेट स्कूल था गवर्नमेंट स्कूल था वो गवर्नमेंट स्कूल का ऑप्शन आ रहा है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बोर्ड कौन सा है वो बोर्ड भरना है, परसेंटेज मोड आपका पेपर था, अगर टोटल मार्क्स कितने हैं एंड ऑब्टेंड मार्क्स आपने कितने प्राप्त किए हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको अपने रोल नंबर, स्कूल का नाम, स्कूल का पिन कोड भरना है। सेम टू सेम ये सारी की सारी आपको 11th क्लास में भी आपको सेम टू सेम यही भर देनी है, ठीक है। उसके बाद 11th क्लास में भरने के बाद आपको ये सारी की सारी डिटेल्स आपको 12th क्लास में भरनी है। कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास में अभी 12th क्लास में ही हो, और अगर उन्हें भी भरना हो तो उनके लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप 00 भर दें सब में आपका, और क्वालिफिकेशन कोड की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप ये फॉर्म में लगा दीजिए, और उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सेम टू सेम 12th क्लास में भी सेम सारी चीज़ें आपको ऐसी कैसी भर देनी है, और आपको पर सब्जेक्ट आपके कितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, उसके बाद सिक्योरिटी पिन लगाना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है बस, और कुछ नहीं है, अगली प्रोसेस पर हम पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर अब है एडिशनल डिटेल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो एक बार मैं ये भर देता हूँ, उसके बाद बताते हैं। देखिए सारी डिटेल्स आपके भरने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या आपने कभी नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया है, अगर दिया है तो उसमें यस करना है, अगर नहीं दिया तो नो करना है। यस करने के बाद आपसे अटेम्प्ट्स पूछेगा, तो जितने अटेम्प्ट्स आप दे चुके हैं, जितनी बार एग्ज़ाम दे चुके हैं वो आपको बताना है, आपका डेट पहले से ऑफ बर्थ बताना है, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, और सिक्योरिटी पिन आपको डाल देने हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, और अगले पेज के लिए आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से थोड़ी सी ज़रूर अपने को टाइम लग रहा है, बाकी सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म सारी प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ बता रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर हम नए पेज पे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर अपने को डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पर करने हैं, तो एक बार ये पूरा कंप्लीट ओपन हो जाए। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है, आपका अंगूठा लगाना है, आपके सिग्नेचर करने हैं, पोस्ट कार्ड फ़ोटो लगानी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, इसके बाद ही आपको करना है। तो देखिए अपलोड करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि कोई सा भी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर बहुत सारे आपको
मिल जाएंगे जो कंप्रेसर के नाम से होंगे। कोई सा भी आप ऐप यूज़ कीजिए और उसमें आप लगा दीजिए। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को जितनी के भी जीबी का चाहे उतना जेपीजी का आप बना सकते हैं, और फाइल में उसे सेव कर लीजिए और सीधा यहाँ पर अपलोड आप कर दीजिए। तो एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप सबसे पहले आप यहाँ से चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद आपके पास जो फाइल फ़ोटो है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो यहाँ पर आ जाएगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, उसको आप अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही अगर वो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। तो देखिए सभी में अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के जस्ट बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए एक बार मैं सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे सिक्योरिटी पिन डालूंगा उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक करना है और ये सीधा आपके सेव एंड नेक्स्ट पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है फाइनल सबमिट, इस पर आपको यहाँ पर क्लोज करके फाइनल सबमिट पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइनल सबमिट आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लें। यहाँ पर जो ये डिटेल्स लिखी हुई आ रही है, आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? अगर कर दिए तो दोबारा से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे जाना है। तो जैसे देखिए मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे लगाए हैं अलग तरीके से, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे माय नेम। तो देखिए जैसे क्लिक हो जाएगा ये यहाँ पर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है और क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कर देना है, यस पे क्लिक करना है, और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो चुका है। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अब लास्ट ऑप्शन है आपके पास फीस पेमेंट, तो यहाँ से आपको फ़ीस पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है। देखिए फ़ीस पेमेंट इनकम्प्लीट आ रहा है, बाकी ऊपर वाले दोनों का आपके कम्प्लीट हो चुके हैं। तो फीस पेमेंट पे देखिए आपको यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आईडेंटिटी एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिए अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो, अदरवाइज आपको पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सीधा मैं पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। जिससे आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे ओके यस करके आपको आगे बढ़ जाना है। आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको फ़ीस डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप कौन से कार्ड से आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पेटीएम पेमेंट बैंक से अगर आपको करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं अगर आप पेटीएम से करना चाहते हैं, और सीधा आप यहां से प्रोसीड कर देंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट होता है दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे ही फाइनल सबमिट होता है आपको उसका पीडीएफ फॉर्म निकलवा लेना है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी स्टेप में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।